राइट तो आपकी आपकी इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, नन अदर देन श्री संदीप नरवाल जी। पिछले 500 साल से कई चीजें ऐसी हैं जब से धरती बनी है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। जैसे कि संसार बदल रहा है, समय बदल रहा है, हैं अच्छा सरकारें बदल रही हैं, मतलब कि लोग बदल रहे हैं, हमारी जो एसोसिएशन में थे या हमारे स्कूल बदल गए, समय बदल गया, मोबाइल बदल गया, कपड़े बदल गए, जूते बदल गए, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। मौसम बदल रहा है, अभी फिर गर्मी आ गई, फिर सर्दी आ जाएंगी, बारिश आ जाएंगी, पतझड़ आ जाएगी, चेंज। लेकिन हमारे हाथ में पता है क्या है यार, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, दीज आर कॉल्ड आउटर चेंज। आउटर चेंजेस नहीं है, एक्सटर्नल चेंजेस जो हमारे हाथ में नहीं है। भाई मौसम बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं, सरकारें बदलना इवन एक वोट काउंट, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है वो। संसार जो बदल रहा है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो बदल रही है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये एक्सटर्नल चेंजेस हैं। एक्सटर्नल चेंजेस हर इंसान की जिंदगी में, उसकी सफलता में मात्र 2-3% मैटर करते हैं। मात्र 2-3% हर इंसान की जिंदगी में एक्सटर्नल चेंजेस 2-3% ही मायने रखते हैं। 97% जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चेंजेस हैं, जो 97% आपकी सफलता में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल चेंजेस। जैसे कि आज आप सारे लोग अच्छे कपड़े तो पहने हुए हो, एक्सटर्नल आपने चेंज कर लिया आपने आपको, है कि नहीं ऐसा? टाई वाई लगा के बैठे हो, सारे वेल ड्रेस बैठे हो, सूटेड बूटेड बैठे हो, सारे बैठे हो, यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ एक्सटर्नली, है ना? आपने बाहर से अपने आप को बदल लिया, यस या नो? लेकिन हर हफ्ते हर इंसान के, सबने कोट पैंट पहने हैं, टाई सबने पहनी है, शर्ट सबने पहनी है, लेकिन हर हफ्ते हर इंसान के, अगले हफ्ते भी इवन हर इंसान के पेआउट्स अलग क्यों हैं फिर? क्योंकि जो उसका इंटरनल है ना, उसका जो माइंड सेट है, उसका जो दिमाग है, वो उस आइटम ने चेंज नहीं करा। और जब तक आप इंटरनली नहीं बदलोगे ना, जब तक इंटरनली अपने दिमाग को अंदर से नहीं बदलोगे, अपने माइंडसेट को नहीं चेंज करोगे, अपनी सोच को नहीं चेंज करोगे, तब तक आप अपने पेआउट्स भी चेंज नहीं कर सकते हो। आपको सोच बदलनी पड़ेगी सर, विदाउट चेंज सेम होता रहेगा। कितनी बार सुना हमने ये, जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। कितनी बार फील करो इस चीज को कभी, लेकिन के भाई आपने पिछले हफ्ते कितने प्लान कराए सर, है ना? किसने पिछले हफ्ते 5 प्लान कराए? अच्छा किसने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कराए, आपने कराए। किसने पिछले हफ्ते 3 प्लान कराए हैं? किसने पिछले हफ्ते 2 आदमियों को जोड़ा? अच्छा मुझे 4 जोड़ने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्लान्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। मुझे 2,00,000 रुपया चाहिए, काम मैं कर रहा हूं पिछले 1 साल से 1,00,000 का, तो मेरे को अपना जो काम है, अपना जो दिमाग है, अपने जो काम करने की शक्ति है, क्षमता है, इनपुट है, वो क्या करनी पड़ेगी? चेंज। एक्चुअली क्या है, हम जैसे थे ना, कई लोग मैं देख रहा हूं, कई लोग, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, पॉइंट आउट नहीं करूंगा, उन्हीं कपड़ों में बैठे जो पिछली ट्रेनिंग में थे, शर्ट तक चेंज नहीं करते लोग। दिक्कत पता है क्या है, 10,000 का पेआउट आया, 5,000 का पेआउट आया, 2,000 का आया, 1,000 आया, बोनस आया, सब बैंक में सेव है, सब 4% खा रहे हैं उसका, मतलब 20,000 रुपए का 4% कितना हो गया, 8 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए कमा लिए उसने, 80, पता कितने होते 80, आईफिल टावर खरीद सकता आदमी 80 रुपए। और वही आदमी अगर 20,000 रुपए का ना, 20,000 रुपए लगा के एक अच्छी सी शर्ट खरीदता, एक अच्छा सा बैग खरीदता, एक अच्छा सा पेन खरीदता, एक अच्छी सी एसेसरीज खरीदता, अच्छा सा एक पॉकेट स्क्वायर खरीदता, टाई खरीदता, अच्छी सी एक जूते खरीदता, नई जुराबे खरीदता, चेंज करता अगर अपने आप को इंटरनली,
दो तीन किताबें खरीदता अगर वो, दो तीन ऑडियो, शिवानी मैम ने वीडियो मंगाई है, मैं तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर हर, उन्होंने वीडियो मंगाई है संतोष नायर जी की ऑनलाइन 1200-1300 रुपए की, जो एक सीडी आती है वो सीडी मंगाई उन्होंने, मतलब कि उन्होंने जाके वो स्मार्ट वेबसाइट पे, मतलब कि वो वही है। अगर ये 10-15 हजार रुपए लगा के, 8 हजार रुपए लगा के, 7 हजार रुपए लगा के आप चेंज हो सकते हो, तो क्यों ना चेंज हुआ जाए। अच्छा, मैंने आज ये नेस्विस का सूट पहन रखा है, ये टाई पहन रखी है, जूते पहन रखे, जुराबे अच्छी पहन रखी है ना, ठीक है, कितने रुपए में तैयार हो गया मैं? 2500 की शर्ट है, 7500 का कोट पैंट पड़ा हुआ है नेस्विस का, 10 हजार हो गए। अच्छा, टाई मान लो 1200 रुपए के आसपास की है, टाई और पॉकेट स्क्वायर कफलिंग वगैरह है ना, 1200 रुपए और लगा लो, 10 और 1200 कितने हो गए, 11200। जूते मान लो 3000 के हैं, कितने के हो गए, 13200, 14200 है ना, 14200। जुराबे मान लो 100 रुपए की, तो 14300 है ना, या 300 रुपए की जुराबे मान लो, जो भी मान लो 14300। और क्या किया मैंने, है पैंट, पैंट कहां पहनी मैंने, बेल्ट, हाँ बेल्ट लगा लो, चलो 2000 की बेल्ट लगा लो, हाँ 7000 कोट पैंट के ना, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कितने हजार में तैयार हूं मैं बता रहा हूं, तो करीबन 13-14 हजार रुपए लग गए। अब ये 14000 रुपए लगा के, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार वन टाइम यूज है, इसको मैं कम से कम इन सारी चीजों को 20-30 बार तो पहनूंगा ना, अच्छा लग रहा हूंगा ये कपड़े पहन के। अब मैंने मान लो 14000 रुपए खर्च करके मेरे से 30 लोग जुड़ गए, और 30 लोग यही कपड़े पहन के 30 लोगों ने देखा क्या बढ़िया वेल मेंटेन्ड रहता बंदा, मेरे को भी ऐसा रहना, उनकी अगर माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया और वो भी मेरे वाले माइंडसेट में आ गए 30 में से 3 लोग, और 3 लोग भी सफायर हो गए, तो 14000 रुपए ने मेरे को कितने करोड़ रुपए कमा के दे दिए, हैं जी, 3-4 करोड़ तो दे दिए कमा के। दिक्कत यही है आदमी के साथ, वो चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप को बदलने से डर लगता उसको, चैनल बदलने से डरते हो, ना इस पर ठीक है, दूसरे पता नहीं क्या मिलेगा, फैमिली बैठी हो जब देख लिया, चेंज होने से आदमी ना डरता है सबसे, और ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स इज चेंज, एक ही चीज है जो इतने सालों से सेम है, स्थिर है, वो है चेंज। हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, हमें पता भी नहीं। और आज के टाइम पे तो सर मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है ना, इतनी फास्ट, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, व्हाट्सएप पे तो बहुत भेजते हो, HMT ने नहीं बदला, नोकिया ने नहीं बदला, ये ने नहीं बदला, उसने नहीं बदला, मार्केट से सब क्या हो गए, हैं क्या हो गए, आउट, बाहर हो गए। पढ़ा है ना आपने, HMT घड़ी सबसे बेस्ट होती थी लेकिन बदला नहीं, नोकिया सबसे बढ़िया मोबाइल होते थे, बदला नहीं तो बाहर हो गए। अरे भाई साहब, पिछले 5 साल में क्या क्या बदल गया, 10 साल में क्या क्या बदल गया ना, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, हमारा सब चीज, एक ही चीज नहीं बदली, खुद बता भी रहे हैं अभी, हम बदले नहीं। अब जब हम ना बदल ले तो हमारा अकाउंट बैलेंस कैसे बदलेगा। 4 साल पहले जो मैं था ना, आप सबने मेरे फोटो देखे फेसबुक पे, पुराने फोटो देखे मेरे, मैं वैसा दिखता हूं 1%। एक्चुअली क्या ना, देखो दोस्त आपका नाम क्या है, अगर इस निखिल को 5 लाख आने होते ना, आ चुके होते, सोचो इस चीज को, इस निखिल को 5 लाख आने होते तो आ चुके होते, इस संदीप को अगर 10 लाख आने होते तो आ चुके होते, आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि मैं वैसे अभी 10 लाख के लायक हूं नहीं। तो मैं अपने आप को ग्रेजुअली कॉन्स्टेंट बेसिस पे लगातार इन ए डिसिप्लिन्ड वे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड मैं चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। और अगर पॉजिटिव चेंज नहीं होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चेंज होएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। बदलाव तो सर प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का, हम नहीं बदलेंगे तो कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि वो पीछे सन्नी बैठे, सन्नी खड़े होना एक बार, इस आदमी की बॉडी छोटी है, 16 का डोला टाइप किया ना, 6 पैक फूक है, भाई साहब आपने कुछ तो करा होगा ना इस बॉडी को, है या बस सांड के माफिक पड़े रहे। यू चेंज योर स्केड्यूल, आपने अपने स्केड्यूल को चेंज किया होगा, डाइट प्लान को चेंज किया होगा, सोने के पैटर्न को चेंज किया होगा, खाने के पैटर्न को चेंज किया होगा, मतलब जो एक नॉर्मल आदमी खाता है जिसका तंदूर निकला हुआ है उससे तो सारे कंप्लीटली चेंज होना यार, आप है कि नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, तो चेंज करना पड़ेगा। और डेली अगर ये बेंच प्रेस मारे ना, वो चेस्ट वाली जो एक्सरसाइज होती है, डेली मारे अगर ये, डेली क्यों नहीं मारते तुम, चेंज क्यों करते हो रोज,
डेली मारेंगे तो यही बनेगी, फिर चेस्ट ही बन के रह जाएगी, ये पैरालाइज टाइप की लगेंगी, पतली पतली लगेंगी ना ये, करो बस छाती छाती इस आदमी। वैसे ही सर आपको ना हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना पढ़ने का क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। सुबह उठो जल्दी, उठते ही क्या करो, मैं चेंज बता रहा हूँ आपको, जो जो छोटे छोटे चेंज करने हैं, बदलाव छोटे छोटे करने हैं, छोटे छोटे बदलाव क्या करने हैं, आपको सुबह उठते ही 15 मिनट वीडियो देखना है, या आपको अपलाइन को कॉल करना, सबसे पहले आंख खुली, भगवान का नाम लिया, 2-5 मिनट इधर उधर देखा, और तुरंत या तो कोई वीडियो देखो मोटिवेशनल, या अपनी बुक पढ़ो, व्हाट आई डू, या तो मैं बुक पढ़ता हूं या मैं वीडियो देखता हूं सबसे पहले, फिर उसके बाद में बुक पढ़ ली तो मैं वीडियो देखता हूं, वीडियो देख ली तो मैं बुक पढ़ता हूं, उसके बाद में फिर भाई अपलाइन को तो कैसे कॉल करूं मैं सुबह सुबह, है ही नहीं, तो आप अपने अपलाइन को कॉल करो सर, क्योंकि अपलाइन नेगेटिव नहीं बोल सकता। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारा जो माइंड होता है ना सुबह 15 मिनट जो होती है ना उठने के बाद में, उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट होता है, अवचेतन मन ज्यादा एक्टिवेट होता है, उस टाइम उस दिमाग में जो जाएगा ना उससे अपना पूरा दिन डिफाइन होगा। आप सुबह उठते ना भगवान कसम किसी से लड़ लो, लड़ लो, पूरे दिन की मां बहन हो जाएगी, पूरे दिन की। और रात को अगर लड़ाई हुई ना, रात को आप लड़ाई के माइंडसेट से सोयो, सपने भी भयानक भयानक आएंगे आपको। सोने से 15 मिनट जो होती है ना, सोने से पहले 15 मिनट वैसा जैसा करोगे उस टाइम पे, उस टाइम पे भी ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। आजकल लोग रात को चैट क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रात को क्यों चैट करते हैं, क्योंकि जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं चीजें वो निकलती हैं बाहर। एक्चुअली क्या है, आदमी का जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो चेतन मन है, जो बिल्कुल जिंदा जो दिमाग जिसको बोलते हैं, जैसे कि अगर ये गर्म है तो हाथ हटा ले तुरंत, ये यहां से एक बार वो आया, इधर होता अब ये अपना कॉन्शियस माइंड जो जागृत मन है, जो जागृत दिमाग है, ये क्या है ना अपनी सफलता में सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन जो सोया हुआ है, ये 95% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो इससे खेलता है ना वो दुनिया के साथ खेलता है, जो इससे खेलता है एक्चुअली क्या है, जितने मजदूर हैं वो हमेशा यही यूज करते हैं 5%, क्योंकि उसको क्या बोला भाई, ईंट उठा और वहां पहुंचा, चलो जी ईंट उठाई वहां पहुंचा दी, चल भी ये उठा वहां पहुंचा, हाँ जी ये पहुंचा दिया, हाँ भी कहाँ, रिक्शा वाले बोलते हैं हाँ जी वहां चल, मॉडल टाउन चलोगे, हाँ चलो चल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑर्डर दिया इस वाले दिमाग ने काम किया और वो चल दिया, उसने कभी अपने इस दिमाग को यूज नहीं किया। ये काम करता है सर सुबह 15 मिनट। और ये कैसे बनता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सुबह जो उठ के 15 मिनट जो इस दिमाग को दोगे ना, जो इन आंखों को दोगे, जो कानों को दोगे, उसी से आपका दिन महीने साल जिंदगी बनती है। सुबह उठते ही चेंज क्या करना है आपने, 15 मिनट ऑडियो वीडियो, फिर अपलाइन को कॉल करनी है। देखो मुझे पता है सारे लोग नहीं करेंगे, आई एम 100% डेड श्योर नहीं करोगे सारे लोग, मुझे एक्चुअली 15-20 लोग ही चाहिए, क्योंकि 15-20 लोग मेरे काम करने लग जाए ना, अपने को तो कैपिंग सेट है, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, इतना बता दूं। क्योंकि आज तक कोई भी मुझे एक इंसान बता दो, कोई भी एक चीज बता दो कि भीड़ का नाम, कोई भीड़ का नाम बताओ जिसने सफलता हासिल करी हो, भीड़ भीड़ है ही नहीं। हमेशा सफलता एक इंसान को, एक इंसान के नाम पे जानते होगे आप, है ही नहीं भीड़ कोई भी, समझो इस चीज को। एक दो आदमी चेंज होंगे, लेकिन चेंज होना पड़ेगा सर। जिसको किस किस को चाहिए सफलता, कल 7 बजे कौन उठ जाएगा, 7 बजे उससे पहले भी उठ जाओगे, अच्छा उठते ही फिर किताब विताब पढ़ लोगे डेली है, और ऑडियो वीडियो देखते हो, सुनते हो, अपलाइन को कॉल करते हो, बोलना मत ये जूता मारो ये से फेंक के, कौन करता है, हाथ खड़ा करियो, अभी अपलाइन से पूछता हूँ, रूबरू कराता हूँ अभी, कौन अपलाइन है, शमशेर जी कहाँ है, आता है इनका कॉल, मिली भगत प्रॉफिट लेग होगा ये। चलो जोक से बात यार, मुझे पता है आप लोग करते हैं, सारे ही करते हैं, जो नहीं करते ये ऐसे इसको कभी वो मत लेना, मैं लाइट नोट बोलता हूँ हमेशा। देखो डिसिप्लिन करना जरूरी है, माँ बाप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आप लोग बिगड़ जाओगे यार, है ना, तो थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी है। जिस घर में माँ बाप डिसिप्लिन नहीं होता ना, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, उसमें बच्चे बिगड़ते ही हैं। हमारे परवरिश अच्छी हुई डिसिप्लिन वे में, तो इसलिए हम थोड़े से एटिकेट्स, हमारे अंदर एथिक्स, बड़ों को नमस्ते करना, नमस्कार करना, जो भी है इज्जत देना, तो ये डिसिप्लिन से ही आता है ना, तो थोड़ा वो होना जरूरी है। तो जो नहीं करते, आज से पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद में चेंज योर सेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर मेंटेलिटी, चेंज योर क्लोथ, चेंज एवरीथिंग। सुबह उठ के 15 मिनट ये किया, उसके बाद में जैसे ही हो फ्रेश, मैं अब और बताऊं, और थोड़ा डीप जाऊं, इसको काट देना वीडियो में ना, फ्रेश होने भी बैठो ना,
तो वीडियो चलते रहने दो, क्योंकि आप बता दूं मैं आपको, जितने ग्रेट आइडियाज आते हैं ना आपके दिमाग में उस टाइम पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव होते हैं वो। हंस रहे हैं, सच बता रहा हूं। लेकिन उस टाइम पे कई लोग अननेसेसरीली चैट वैट ये ना, या तो दिमाग को शांत करो या किताब लेके बैठ जाओ या वीडियो लेके बैठ जाओ। सच बता रहा हूं मैं, पागलपन चाहिए। पागल आदमियों का ही नाम होता है जो वेल मेंटेन होता है ना। हाँ ये क्या देख रहा है, वो क्या देख रहा है, हाँ ये क्या मेरे बारे में क्या सोचेगा, बाथरूम में मोबाइल ले गया, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे आदमी कभी सफलता ही नहीं पाते। दुनिया पता है सफल लोग कैसे, सफल लोग कैसे होते हैं, अरे दुनिया भाड़ में जाए मेरे को जो करना मैं करूंगा, ऐसे लोग ही सफल होते हैं। तो आपको क्या ना चेंज करना ये है ना। उसके बाद में क्या है, मान लो आप एक प्लान कराते हो दो दिन में, एक दिन में चेंज कितने कराओ, दो चेंज करो। 5,000 रुपए हफ्ते के चाहिए आपको, किस किस को चाहिए 5,000 रुपए हफ्ते के, 5,000 चाहिए ना। एक्चुअली क्या करो आप चार प्लान कराना चालू करो, चेंज योर इनपुट एंड ऑटोमेटिकली योर आउटपुट विल बी चेंज्ड। भाई जैसे इनपुट चेंज करोगे वैसे आउटपुट चेंज होएगी। तो आप क्या करो, चेंज कर दो अपने इनपुट को ना। अभी जैसे हफ्ते में आप कराते हो दो प्लान, चार करा लो। आप नहीं जोड़ोगे कोई और जोड़ देगा आपकी लिस्ट में से बंदे को। बतेरे लोग हैं जो मिलते हैं, सर ये उसकी टीम में जुड़ गया, मेरे साथ जुड़ना था, तूने अप्रोच किया ना, फिर क्यों रो रहा है, चुप। चेंज करो अपने माइंडसेट को, चेंज करो नंबर ऑफ प्लान्स को, चेंज करो इन जो अपना होता है ना क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन, उसको चेंज करो, टाइप ऑफ इंडक्शन जो देते हो उसको चेंज करो, चेंज एवरीथिंग, माइंडसेट को चेंज करो, बीवी मत चेंज करो बस, करो सर सब कुछ करते हैं। एक ट्रेनिंग दे रहा था मैं उधर उर्दू घर में, बाद में कर सर सब चेंज कर दें, मैं आपके हाव भाव से लग रहा बीवी मत चेंज कर लियो। तो पॉजिटिव चेंज करो थोड़ा सा ना। सफलता जिस चीज से मिलती है ना और जिस चीज से नहीं मिलती, जस्ट चेंज इट, चेंज कर लो हर चीज का ना अलग। जैसे पार्टी में जाओगे तो ये कपड़े नहीं पहन के जाओगे, दैट हैज अ डिफरेंट, है ना। तो हर चीज का ना चेंज करना जरूरी है। ट्रेनिंग में आए हो तो चेंज, तो वैसे ही माइंडसेट आपका चेंज रहना चाहिए। घर पे रहो ना, घर पे रहो, मम्मी पापा के साथ बैठे हो, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स, जरूर करो, 5 मिनट करो, पैर दबाओ मम्मी पापा की, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है भाई साहब। मैं तो जाता हूँ अब भी करता हूँ सारी मम्मी की मसाज, पापा की टाइप की हेड मसाज टाइप बहुत मैं तो करता हूँ, कोई शर्म नहीं अपने को। तो ये जो चीज है ना चेंज करो अपनी ना, क्वालिटी टाइम हर जगह जाओ तो अपने आप को बदलो। एक्टर जो होता है ना, एक्टर आमिर खान है, आमिर खान हर मूवी में चेंज हो रहा है, बताओ तारे जमीन पे क्या था और इसमें गजनी में क्या बन गया था और उसमें वो लगान में क्या था और अभी जो कौन सी आई थी दंगल, फैट टू फिट वीडियो देखा होगा, कितने मिलियन व्यूज है ना उसके, फैट टू फिट वो वीडियो देखी होगी आपने, क्यों कैसा पेट वाला था और फिर कैसे एब्स वाला बन गया ना, तो उसने भी चेंज किया और इसलिए आमिर खान आमिर खान है। जो आदमी इतने टाइम से एक ही एक्टिंग कर रहा है वो करता नहीं है, क्या नाम तुषार कपूर, वो देख लो कहाँ है, वो कोई स्टैंड ही नहीं करता, वो चेंज नहीं करेगा ना कोई आदमी यार। इफ यू वॉन्ट दैट योर अकाउंट बैलेंस शुड चेंज, देन यू मस्ट चेंज, चेंज करो सर अपने आप को ना। देखो यार एक चीज ध्यान रखो, जानवर भी ना हमसे ज्यादा दिमागदार हैं, वो कभी भी अपना एक जगह पे रहते नहीं है, समय के साथ उनको पता है ये सीजन आने वाला है तो वो अपना तुरंत अपना ठैया बदल लेते हैं, इस जंगल में तो दूसरे उसमें चले जाते हैं। मछलियां भी ऐसी है, डिस्कवरी चैनल अगर आपने देखा हो तो वो भी करती हैं, जब ऐसा हो जाता है कोई टाइम आता है मतलब मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, तो वो क्या होते हैं ना मछलियां डीप सी में चली जाती हैं, वो भी चेंज कर लेते हैं। एवरीबॉडी इज चेंजिंग एक्सेप्ट वी। बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको सोनू शर्मा जी की वीडियो देखी होंगी आपने चेंज के ऊपर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन जो उन्होंने नहीं बोला मैं वो बता रहा हूं आपको जो बेसिक है, क्योंकि बेसिक जड़ों में जाना जरूरी है यार, चेंज करना पड़ेगा सर आपको। तो चेंज योर सेल्फ इस माइंडसेट के साथ। देखो एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में इस टॉपिक पे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर इस माइंडसेट, इस कपड़ों के साथ में, इस दिमाग के साथ में, इस शेड्यूल के साथ में, इस इनपुट के साथ में अगर हमें 5 लाख आने होते तो अब तक तो आ चुके, तो समथिंग नीड्स टू बी, तो चेंज कर लेंगे आप पक्का।